तो जी जो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और आज हमारा प्लान था रमज़ान से पहले, हमने कहा एक छोटा सा वो करें खाने पीने का कोई सीन। तो यहाँ पे अभी कढ़ाई बन रही है बीफ, और साथ चिकन जो है वो एयर फ्रायर में बनेगा, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जी कढ़ाई का वो सामान वगैरह तैयार हो रहा है, और ये लोग बैठे हुए हैं, तील प्याज काट रहा है, ये दही पड़ा और है, ये दही पड़ा हुआ है ये जी, गोश्त पड़ा हुआ है अभी, ये गोश्त है, और ये एयर फ्रायर है यहाँ पे ये इस जी। पे बनेगी कढ़ाई, और एयर फ्रायर की तरह जी एयर फ्रायर ये आ गया, और अभी इसमें जो है बनाएंगी चिकन जी। यहाँ पे हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ ऊपर स्टोर से ही हम लोगों ने आटे वाली पेटी ली है, और इस पे फ्राई रख दिया। जो अपडेट थी अभी आपके साथ मैंने शेयर की है, और मौसम भी मज़े का, ठंड ठंड सी है हल्की हल्की, तो बस फिर मिलते हैं आपसे। आई थिंक इन लोगों ने चिकन अब लगा दिया है, और ये चिकन बन रहा है, वाओ। यहाँ पे दिखाते हैं जी, ये देखिए और मैं दे जी यहाँ पे, ये और मार बीफ है, और यहाँ पे अब वो स्टार्ट होने लगी है कड़ाही पे जी। अभी हमने दो बड़े प्याज लिए हैं, तीन बड़े प्याज लिए, और उसमें ऑयल डाला एक बड़ा का पीए वाला, ठीक है। यहाँ पे जी प्याज फ्राई होने लग गया है, इतना सा हो गया, तो इसमें हमने ये बारीक चॉप्ड लहसुन और अदरक है ना, जी आज हमारी कतर की स्पेशल बीफ कढ़ाई बन रही है, इसका हम क्या नाम रखें, कतरी बीफ कढ़ाई, कतरी बीफ कढ़ाई। अब इसमें जी नेशनल का कोरमा मसाला जा रहा है, और यहाँ पे जी ये लोग मोनोपोली खेल रहे हैं, तो इस वजह से आपको उल्टी सीधी बातें आएंगी, और यहाँ पे कटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पे जी मसाले के बाद कुछ ये चीज निकल आई है, ये यहाँ पे जी अब टमाटर जा रही हैं, ये विदाउट स्किन है या स्किन वाले हैं, अच्छा खुद ही उतर जाएगी, अब इसको जी कवर कर देंगे, और ये तकरीबन कितने मिनट कवर रहेगा जी, दो चार मिनट। बीफ जी पहले से बॉइल्ड है, ये अब उन्होंने जी सारे टमाटरों की साइड हमने चेंज कर दी है, और इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब मेरे ख्याल से इसको फिर डाम देंगे, है ना। जी अब टमाटर निकाल के और इसको स्किनलेस कर रहे हैं, और फिर दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। गाड़ी में हुड पड़ा मेरा, मुझे ठंड लग रही है, मैं पहनूंगा जी। स्किनलेस टमाटर हमने अब वापस डाल दिए, अभी जी ये कढ़ाई बन रही है, और अंदर आई थिंक मुझे बुला रही है, चिकन जो है वो बन गया है रेडी, वाओ यार नाइस। ये चिकन रेडी हो गया है एयर फ्रायर में जी, अब इसमें से हमने पहले वाले निकाल दिए, और अब और चिकन जा रहे हैं बीच में, कर रहे हैं।
और जी अब यहाँ पे हमारा और मैं जी अब चिकन ट्राई कर रहा हूँ. वेरी नाइस नाइस एवरीवन हैविंग चिकन. थैंक्स यार. एयर फ्राइड है और वेरी जूसी वेरी टेंडर. जी चिकन वाज थम्स अप और मेरा हुड भी आ गया. मैं ये पहनूंगा. इधर जी ये बन रहा है बीफ. जी अल्लाह पाक खैर करें. और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं तो बी सेफ. 7.7 जियो वाले बता रहे हैं. कोई 6.8 कह रहे हैं, कोई 7.7. लेकिन जो भी था हिला के रख दिया. अभी तक चक्कर आ रही है. अब हम दोबारा तो वापस आए हैं. पता नहीं कढ़ाई का क्या हुआ, चिकन का क्या हुआ, सब कुछ इधर ही छोड़ गए. मेरा पता है बीपी लो हो रहा है. यहाँ पे जी जो बॉइल्ड बीफ है वो जा रहा है. इसमें ये यखनी भी है इसकी और साथ बीफ भी जा रहा है. ये यहाँ पे बीफ चला गया और यहाँ पे इनका शोर उसी तरह है जी. प्रॉपर्टी पैसे मोनोपोली. यहाँ पे जी शायद रूफ टॉप है ऊपर ही क्या है. मुझे बहुत ठंड लग रही थी इस वजह से मैंने हुड मंगवा के पहन लिया है. और अभी जो है वो बन रहा है बीफ भी बन रहा है उधर. और यहाँ पे बन रही है चिकन. तो वंस अब सब कुछ रेडी हो जाएगा फिर आपसे बात करेंगे. ठीक है. लेकिन रेसिपी बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा. यहाँ पे जी सब्ज मिर्च भी डाल रहे हैं. अब हम यहाँ पे नमक जा रहा है. ये जी अभी ओपन हुई है. मेरी कोई मुश्किल टाइम नहीं था अभी. नहीं कितनी रोटियां लानी है. रोटियां बताओ ना यार. रोटियां यहाँ पे जी बीफ तकरीबन रेडी है. नहीं अभी इसको थोड़ा सा भुनेंगे. अब इसमें जा रहा है दही. ये चला गया है इसमें दही. अल्हम्दुलिल्लाह जी बचत हो गई है. और अभी जाके दिमाग थोड़ा सेट हुआ है. इतने चक्कर आ रहे थे और अल्लाह माफ करे. अभी हम दोबारा वापस ऊपर आ गए हैं. कढ़ाई बस रेडी है. ये जी अब हम हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है. और इस बात पे नहीं आएंगे. ये पॉट पी रहा है यार. नहीं यार ये मुझे बदनाम करना चाह रहा था जबकि ये पॉट खुद पी रहा है. हाँ जी आप क्या कह रहे हैं ठहरे में. हाँ जी ये देखें जी चिकन भी रेडी है. और ये भी खोलें. ओ मजे के खाना खा लें. खाना खाने के बाद आपको मिलेंगे. हेलो हेलो और जी उसके बाद मीठे में हसनैन ने अपने घर से शाही टुकड़े बनवाए हुए थे. बड़े मज़ेदार थे शाही टुकड़े. और साथ हमारे जो बसीर शाह हैं उनकी बात पक्की हुई थी तो वो मिठाई लाए हुए थे. तो जी मैं अभी अभी आ गया हूँ नीचे और मुझे लग रही है सख्त वाली ठंड क्योंकि सारे जो हैं वो जा चुके हैं और मुझे भी नींद आई हुई है. मैं सोऊंगा तो मैंने कहा पे आपको टाटा बाय बाय. आज जो जलजला है यार उसने तो हिला के रख दिया है. तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक खैर रखे आगे भी. और कल का दिन है फिर इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट है. तो बस रमज़ान का वेट है. फिर आपसे मुलाकात अब रमजान में होगी. टाटा बाय बाय.